अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर महज एक मिनट में 1730 पौधे लगाकर किया पौधारोपण का महाअभियान। संपूर्ण देश भर में बदलते मौसम के साथ ही पर्यावरण को संरक्षण देने के उद्देश्य से अनेक संस्थाएं विभिन्न आयोजन कर रही है। पर्यावरण से होने वाले फायदे को ध्यान में रखकर इस मौसम में सभी पौधारोपण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम के संकल्प को आज शहर की संकल्प पर्यावरण संस्थान ने पौधारोपण कर महाअभियान कर दोहराया। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 12 सितंबर 1730 को राजस्थान के खेजड़ली गांव में खेजड़ी के हरे भरे वृक्षों को बचाने के लिए वीरांगना अमृता देवी विष्णु सहित गांव के 294 पुरुष व 69 महिलाओं सहित कुल 363 लोग शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में खेजड़ली बलिदान दिवस पर आज संकल्प पर्यावरण संस्थान ने शहर के मानसरोवर झील के सामने स्थित श्रीराम पार्क में महज एक मिनट में, जी हाँ महज एक मिनट में 1730 पौधे लगाकर पौधारोपण का महाअभियान कर इतिहास रचा। पार्क के अंदर चारों ओर खड्डे किए गए जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। संस्थान के अध्यक्ष दीपक सुवालका ने बताया कि संस्थान पूर्व में भी इस अवसर पर 363 पौधे लगा चुका है व समय समय पर पर्यावरण के क्षेत्र में संस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पंडित अशोक व्यास के मंत्रोच्चार के साथ ही एक साथ एक मिनट में 1730 पौधे लगाकर इतिहास रचा गया। पौधारोपण के इस महाअभियान के दौरान संस्थान के पदाधिकारियों सहित नगर निगम महापौर राकेश पाठक, समाज सेवी आजाद शर्मा, मधुबाला महाजन, पार्षद पंडित अशोक शर्मा, पार्षद संतोष कंवर, ब्रह्मा कुमारी बहन नीतू दीदी सहित विष्णु समाज के प्रबुद्धगण, विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थी, शिक्षकगण, अभिभावकगण व क्षेत्र के स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए भीलवाड़ा समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो पहले तो मैं आज अमृता देवी जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में संकल्प पर्यावरण संस्थान ने जो ये कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से हम कहते हैं ना कि किसी महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि यह होती है कि उसके बताए हुए कदमों पे, उसके बताए हुए कार्यों पे चले। तो संकल्प पर्यावरण संस्थान ने उस चीज को चरितार्थ करते हुए एक मिनट में 1730 पौधे लगाने का जो अनुपम काम किया है, और सिर्फ पौधे लगाने का ही काम नहीं किया है, यह निश्चय किया है कि हम 3 साल तक इसकी देख रेख करके, इनको बड़ा करके, और ये इस क्षेत्रवासियों को एक बहुत बड़ा सौगात देने जो जा रहे हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ, इनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। बदलते मौसम में पर्यावरण की जागरूकता के लिए लोगों में एक अलग ही नया रुझान देखने को मिला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। आज भीलवाड़ा संकल्प पर्यावरण संस्थान उसके नेतृत्व में एक मिनट में 1730 पौधे लगाकर एक पर्यावरण के लिए नया संदेश दिया गया है। आइए हम बात करते हैं संकल्प सेवा संस्थान के जो ये साथ में पदाधिकारी है, उनसे बात करते हैं। सर क्या रहा आज? आज 12 सितंबर, आज से लगभग 200-300 साल पहले माँ अमृता देवी विष्णु की बलिदान के स्मृति में 363 लोगों की याद में आज संकल्प पर्यावरण संस्थान ने एक मिनट में 1730 पौधे लगाए। गत वर्ष हमने 363 पौधे लगाए क्योंकि 363 लोग शहीद हुए उन्हीं की याद में, और आज 1730 में जो ये घटना हुई उसी को याद करते हुए हमने एक मिनट में 1730 पौधों का यहाँ आयोजन किया। किस तरह की तैयारी की गई? यहाँ पर पौधे वगैरह हमें अवेलेबल करवाए गए, जो एक मिनट में लगाना होता है तो उसमें सारे गड्ढे वगैरह तैयार करके वहाँ पौधे वगैरह पहले रखे गए, उनमें खाद बीज वगैरह पहले कंप्लीट किया गया, सारा टाइमिंग के साथ में एक मिनट के अंदर उसे लगाना होता है। हालांकि हमने 15 से 20 बच्चों पर पहले एक्सपेरिमेंट किया, हमने छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक, कि एक मिनट में लग भी पाएगा, संभव है या नहीं है, तो वो 40 से 45 सेकंड के अंदर वो आराम से हो गया। तो हमने एक मिनट के अंदर फिर ये आयोजन करने का सोचा है, और ये भीलवाड़ा में ऐसा पहली बार हो रहा है, पहले भी हमने किया 3 मिनट का, और इस बार टाइमिंग थोड़ा और कम किया, पौधों की संख्या बढ़ाई। ये भीलवाड़ा में हमने पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है संस्थान के द्वारा। और किनका सहयोग रहा है इसमें? इसमें रहा है UIT का भी रहा है, आसपास के भी जो लोग हैं, रामानुज जी भी हैं, और साथ में जो पार्षद महोदय हैं गजेंद्र सिंह जी, उनका भी काफी अच्छा सहयोग है, सोसाइटी वालों का भी अच्छा है, खास करके तो UIT का सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि JCB वगैरह पौधे वगैरह सभी उन्हीं से मिला है हमें। बाकी जन सहयोग सभी का रहता है इसमें, सभी से हम सहयोग लेते हैं, ऐसा नहीं होता है कि केवल संस्थान करें, संस्था तो करती है, वो सबसे आगे रहती है, उसके पीछे काफी जो पर्दे के पीछे भी होते हैं, सबका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन सभी को दिल से धन्यवाद, और सब साथ में लगकर के हम ये काम करते हैं।
तो देखा आपने 12 सितंबर 1730 में जो घटना हुई थी अमृता देवी के नेतृत्व में, जो पौधों के संरक्षण के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था, उसी बलिदान को याद करने के लिए आज इस संस्था ने 1730 पौधे लगाए हैं। और आप जैसे देख पा रहे हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे और अलग अलग संस्थाओं के यूआईडी से, नगर परिषद से कर्मचारी भी यहाँ आकर के इनमें सहयोग किया है। और जैसा कि पर्यावरण को इन्होंने महत्व दिया है, पर्यावरण को संरक्षण के लिए आज इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, वास्तव में काबिल तारीफ है। भिलवाड़ा से नवबार समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।